अगर हम ब्रीडर सीड से पैदा कराए हैं तो फाउंडेशन से अगली पीढ़ी फाउंडेशन सीड की होती है। कि इस पहाड़ पर पानी गिरा, पानी चारों तरफ बह गया, पानी नहीं है, पानी की कमी है, ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत सारी वैरायटी निकल गई हैं। बासमती की भी दो तीन वैरायटी ऐसी आ गई हैं जिनको आप सीधी बुआई करके उनसे अच्छी पैदावार। आवाज हमारे पास करीब 2,500 से 3,000 के बीच में, विद्यार्थी लड़के लड़कियाँ दोनों इस कैंपस में रहते हैं। नमस्कार, आज हम मिर्जापुर के बरकछा इलाके में हैं, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, जो कि BHU का दक्षिणी परिसर है। यहाँ कई फैकल्टीज चल रही हैं और ख़ास तौर से कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ का बहुत मशहूर है। कृषि विज्ञान केंद्र ने इस इलाके को बहुत अलग तरीके से विकसित किया है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ के जो प्रोफेसरान हैं वो उनका योगदान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से है। अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीराम सिंह से भी बातचीत करेंगे, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, इस परिसर के लिए बहुत काम किया है। वो शुरू से ही यहाँ पर हैं। प्रोफेसर साहब, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य जो केंद्र है, वहाँ से आप यहाँ आए, तो जब आप आए तो यहाँ कैसा लगा? आप तो बन ही रहा था ये जब आप आए होंगे तो? शुरू हुआ था, शुरुआत के दिन थे। तो किस तरीके से फिर इसको इतना रमणीय परिसर बनाया आपने? 2005-06 में डॉक्टर पंजाब सिंह साहब यहाँ कुलपति होकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आए, तो उस समय बिल्कुल वीरान सा पड़ा हुआ था, बिल्डिंग्स भी कहीं कहीं टूटी फूटी, और बहुत ज़्यादा इस पर कोई ध्यान नहीं देता था बाहर होने की वजह से, दूर होने की वजह से, और किसी का केवल यहाँ कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र फार्म था और कृषि विज्ञान केंद्र था। तीन बिल्डिंग थी, एक फार्मर्स हॉस्टल, एक ये कृषि विज्ञान केंद्र की बिल्डिंग, और एक उधर जो साइंटिस्ट हॉस्टल या गेस्ट हाउस जिसको हम लोग कहते हैं, वो तीन बिल्डिंग थी। इसी में सब कुछ पढ़ाई लिखाई, 12-13 कोर्सेज चालू हुए, जैसे MBA एग्री बिजनेस का कोर्स चालू हुआ, BCOM के कोर्स चालू हुए, आयुर्वेद के BPharma का कोर्स चालू हुआ, टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स चालू हुआ था उसी समय, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स चालू हुआ था, और ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 6-7 कोर्स चालू हुए, जिसमें करीब 700-800 बच्चे उस समय आके पढ़ना शुरू किए। रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इन्हीं सब बिल्डिंग्स में उनको रहने के लिए, पढ़ने के लिए सब कुछ इन्हीं 3-4 बिल्डिंग में हम लोग शुरू कराए। और पानी बाहर से टैंकर से बरकछा गांव से बोरवेल से उठा के आता था, सब लोगों को पीने का पानी दिया जाता था, और धीरे 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 व्यवस्थाएँ पंजाब सिंह सर के रहते हुए 3 साल के कार्यकाल में ही बिल्डिंग्स भी बनने लगी, हॉस्टल्स भी बन गए, सब कुछ होते होते पानी भी अब पाइपलाइन से, उनके जाने के पहले ही पाइपलाइन से पानी भी मिलने लगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर गईं, और धीरे धीरे कैंपस ये देखने लायक हो गया। और आज हमारे पास करीब 2,500 से 3,000 के बीच में विद्यार्थी लड़के लड़कियां दोनों इस कैंपस में रहते हैं, और 22-23 कोर्सेज रन कर रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक कैंपस चल रहा है। हम लोगों को भारत सरकार की 2 परियोजनाएं मिली हुई हैं, करीब ये 2017-18 से चल रही हैं। एक सीड हब तिलहन, जिसमें हम लोग किसानों के साथ सहभागी रूप से सरसों के बीज का उत्पादन कराते हैं, और दूसरी परियोजना है हमारी सीड हब दलहन की, जिसमें दाल वाली जो भी फसलें हैं रबी में चना मटर मसूर, जो बरसात के बाद सीजन आता है, और बरसात वाले में अरहर उड़द और मूँग, इन फसलों का, और जायद गर्मियों में उड़द और मूंग की फसल का हम लोग किसानों के साथ मिल करके किसानों के खेतों में ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड हम फार्मर्स को उपलब्ध कराते हैं। दलहनी फसलों का हम भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से ले आते हैं, किसानों को देते हैं, नगद मूल्य पर उनको देते हैं, वो उगाते हैं हम लोगों की देख रेख में। अब उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था दोनों के देख रेख में वो बीज उत्पादन होता है, फिर हम उसको बाई बैक करके खरीदते हैं उस बीज को किसान से खरीदते हैं। खरीदने का पैमाना ये होता है कि गवर्नमेंट आजकल फिक्स कर रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल का निर्धारित करती है कि इससे कम में खरीदा नहीं जाएगा, MSP। तो MSP और उस पर हम लोग 10% से लेकर 15%, या कभी कभी जब मार्केट का रेट बहुत ज़्यादा होता है तो 20% तक प्रीमियम दे करके हम किसान से बाई बैक करते हैं। जो मशीन आप लोगों को अभी मैंने दिखाया, उसमें ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग
और पैकिंग उसको करते हैं। फिर सीड प्रोसेस वो उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था वाले लोग उस फसल का उस बीज का प्रमाणीकरण प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित करके टैग देते हैं। तो टैग अगर हम ब्रीडर सीड से पैदा कराए हैं तो फाउंडेशन से अगली पीढ़ी फाउंडेशन सीड की होती है, आधारीय बीज की, जनक बीज से आधार बीज और आधार बीज से अगर पैदा कराए हैं तो प्रमाणित बीज पैदा हो। तीन तरह के बीज पैदा होते हैं। इन तीनों कैटेगरी में जो नहीं आता है वो TL ट्रूथफुल लेवल सीड कहा जाता है, लेकिन उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है, वो बस विश्वास के ऊपर किसान हमसे ले जाता है कि साइंटिस्ट की देखरेख में हुआ है, TL सीड है तो इससे भी अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन तीन तरह का बीज ब्रीडर सीड हम ले आते हैं, फार्मर्स को देते हैं, फार्मर्स फाउंडेशन पैदा करता है, फाउंडेशन देते हैं तो प्रमाणित पैदा करता है, उनसे हम बाई बैक करके प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और सर्टिफिकेशन कराने के बाद फिर उसको हम सरकारी संस्थाओं को या किसान अगर सीधे आके ले जाते हैं तो उनको हम नगद मूल्य पर बेचते हैं। तो इससे एक रास्ता बनता है कि अगर किसान मान लीजिए गेहूँ का रेट 100 रुपये किलो है, एक मोटा मोटी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपया किलो अगर गेहूं का रेट है, MSP अगर घोषित गवर्नमेंट ने किया है तो कम से कम 15% और हम उसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 115 रुपया पर हम उससे किसान से ख़रीदते हैं, तो 15 रुपया उनको वहीं फ़ायदा हो जाता है। इस साल गवर्नमेंट ने एक दूसरी सिस्टम इसमें सीड हब में लागू किया है कि जो किसान दलहनी फसलों में अरहर का खरीफ में और रबी में मसूर का अगर सीड प्रोडक्शन हम लोग सीड हब के साथ करते हैं और प्रोड्यूस करके वो देते हैं बाई बैक में, तो उनको एक मोटा मोटी समझ लीजिए 1,500 से 2,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से प्रोडक्शन सब्सिडी गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके खाते में देगी जी। तो मान लीजिए 5,500 में या 5,500 तो नहीं है, 7,000-8,000 के आसपास है मसूर का बीज, तो अगर 8,000 रुपया क्विंटल मैं किसान से ख़रीदा हूँ तो 2,000 रुपया और गवर्नमेंट जो दे देगी तो उनका मसूर 10,000 रुपये कुंटल बिक जाएगा। मार्केट में कोई 10,000 रुपये कुंटल में मसूर खरीदने वाला नहीं है, तो किसान की आमदनी बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा अच्छा जरिया है। दूसरा ठीक इसी तरह का कार्यक्रम हम लोगों का सीड हब तिलहन में चलता है, जो सरसों का बीज हम उत्पादन कराते हैं, तो इसी प्रक्रिया से उसमें भी 10 से 15% 20% तक हम दे करके और उससे किसान से ख़रीदते हैं, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग और सर्टिफिकेशन कराने के बाद फिर हम उसको बेचते हैं। तो ये लाभ है किसानों का कि सीधे कम से कम 15-20% एक्स्ट्रा, और सरसों वाले में भी ये प्रोडक्शन सब्सिडी 1,500 से लेकर 2,000 रुपये के आसपास घोषित हुई है, गवर्नमेंट घोषित की है, तो किसान उससे भी लाभान्वित होगा। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट किसान के लाभ के लिए ये है। कृषि विज्ञान केंद्र के जो अभी विपणन और खरीद का जो दायरा है जी, वो क्या मिर्जापुर जिले में ही था? अभी तक तो ये मेरा था मिर्जापुर के लिए ही, लेकिन मिर्जापुर में किसानों की जोत बहुत छोटी छोटी है और कुछ प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अच्छे नहीं है। 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सूखा और इन सब चीज़ों का, गर्मी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो हम लोगों को परमिशन ये मिल चुकी है कि आसपास के और ज़िले के भी लोग अगर हम लोगों के साथ शामिल होकर के इसमें भाग लें करें, तो हमारा टारगेट समझ लीजिए मिनिमम 1,000 कुंटल सीड प्रोडक्शन का एक फसल का होता है। तो अगर 1,000 कुंटल मिर्जापुर से हो नहीं पा रहा है तो और भी ज़िलों के अगर जो लोग इच्छुक किसान हो गए, हम लोग इसीलिए प्रचार प्रसार भी करते हैं गोष्ठियों में, मीटिंग में, बनारस, आसपास, भदोही, सोनभद्र के कुछ किसान इस साल हमारे साथ मटर और इसका चने का और सरसों का सीड प्रोडक्शन किए हैं, जो दिए हैं, अभी उनके भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। तो ये लाभदायक है और किसान चाहें तो बहुत लाभ उठा सकते हैं। सर, ये जो बीज का व्यापार है, हाँ, ये किसानों को एक तरह से बीज के लिए पर निर्भर बनाकर, हाँ, एक तरह से उनको पंगु कर दिया गया। ये जो आपका ये कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या कभी इस लेवल पर अपने आप को विकसित कर लेगा कि बहुत सारे किसानों को जो बीज है अपने देश का बीज मिले, अपने देश का प्रोसेस किया हुआ बीज मिले, अपने खेतों का बीज मिले? हाँ, ऐसा, क्योंकि अभी लोग बीज रखते नहीं हैं। हाँ, बीज रखते नहीं है, बीज के प्रति जागरूक लोग नहीं हैं, और जनरली ये देखने को मिलता है कि हर साल किसान बाजार में जाता है बीज खरीदने, जबकि एक साल अगर वो प्रमाणित बीज खरीद करके बुआई कर ले रहे हैं, ठीक से थोड़ा सा देख रेख कर लें, हम लोगों से संपर्क करके वैज्ञानिक देख रेख में उसकी जानकारी ले करके अब बढ़िया से पैदा कर लें, तो कम से कम 3-4 साल तक वो अपने खेत में पैदा कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे भी किसान हैं बनारस और आसपास जी के किसान, आप लोग देखते होंगे, घूमते होंगे, जो खुद बीज पैदा करके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कराते हैं,
प्रमाणीकरण उस संस्था से कराते हैं और बीज बेचते हैं। क्या कभी ऐसा हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग भी किसानों को देते हैं कि बीज उत्पादन की ट्रेनिंग लेकर के वो खुद बीज उत्पादक बने और डायरेक्ट अपना वो करें। इससे बहुत बड़ा जो बाजार है, बाजार भी है, गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं है, इतने बड़े बड़े फार्म्स नहीं है कि गवर्नमेंट अपने फार्म पर पैदा करके बीज और सभी के लिए बीज उपलब्ध करा सके। सर जैसे इस पिछले दिनों हम एक ऐसे धान को ले आए थे, हमारे मित्र राम कठिन सिंह एक वैज्ञानिक, तो वो जो है ऐसा था कि अगर बाढ़ में वो डूब गया तो भी और अगर सूखे में वो सूख गया तब भी होगा, लेकिन उसका धान उसका भात अच्छा नहीं होता था और तमाम सारी ऐसी कुछ जटिलताएं, कुछ सुविधाएं। तो मेरे कहने का मतलब कि जो यहाँ जो सूखा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की जमीन पथरीली है, कंकरीली है, इनके अनुकूल बीजों का विकास संभव है? संभव ही नहीं है, बहुत सारी प्रजातियाँ विकसित हुई हैं, लेकिन एक वो होता है ना साइकोलॉजिकल जो दिमाग में किसान यहाँ का भी जो पहाड़ पर है जहाँ पानी रुकता नहीं है, पानी बरसता है, हम लोगों का सर है, पानी बरसेगा तो रुकेगा नहीं, चारों तरफ गिर जाएगा, ठीक वही पहाड़ की दशा होती है कि इस पहाड़ पर पानी गिरा, पानी चारों तरफ बह गया, पानी नहीं है, पानी की कमी है। ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत सारी वैरायटी निकल गई हैं जो 90 से लेकर के 120, 125 और 130 दिन के अंदर होती हैं, और उनमें महीन भी हैं, सेंटेड भी हैं, डायरेक्ट सोइंग वाली भी, डायरेक्ट सीडेड मतलब रोपना नहीं पड़े, सीधे आप बुआई करके और खरपतवार का प्रबंधन करके उनसे अच्छी पैदावार लेकर के, यहाँ तक कि बासमती की भी 2-3 वैरायटी ऐसी आ गई हैं जिनको आप सीधी बुआई करके और उनसे अच्छी पैदावार, अगर मैं खरपतवार का प्रबंधन, क्या बासमती मैंने मिर्जापुर इलाके में बासमती बोया जा सकता है, लगाया जा सकता है? लगाया कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक GI टैग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स का टैग होता है, तो वो बिक्री आप फॉरेन में नहीं कर सकते हैं अगर GI प्रमाणित नहीं है। अच्छा। लेकिन अपने इंटरनल, अपने खाने के लिए, अपने बाजार में बेचने के लिए, अपने इंडिया में बेचने के लिए, तो आप उसको कहीं भी बेच सकते हैं और उत्पादन ले सकते हैं। सर कुछ निजी प्रश्न ये है कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी है, आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार के बारे में कुछ बताएं और कैसे आप इस कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आए? मेरा जन्म तो बिल्कुल इससे भी इंटीरियर गांव में हुआ था, बलिया ज़िले में, जहां मैं जब तक पढ़ता रहा MSc तक, तब तक सड़क का आवागमन मेरे गांव में पक्की सड़क नहीं अच्छा, थी। अच्छा, किस इलाके में सर? बलिया ज़िले में है, नगरा ब्लॉक है हम लोगों का। हाँ, तो हम लोग पैदल रतनपुरा रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद 12-13-14 किलोमीटर पैदल, बैग अटैची जो भी रहती थी हॉस्टल से याद लेके पैदल जाना पड़ता था घर, उसी गांव में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हुआ करते थे, कुछ दिन गांव के प्रधान भी रहे एक दो टर्म जी, और उस मैं भी इंटर पास करने के बाद, हाई स्कूल पास करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही मेरा सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन हो गया था। उस समय 10+2 चलता था CBSE बोर्ड का सेंट्रल हिंदू स्कूल में, तो 11th में वहीं एडमिशन हो गया था 10th के बाद, 2-3 महीना रहा, लेकिन उस बीच में हॉस्टल नहीं मिल पाया था हमको, किसी के घर रहता था तो किसी के घर रह करके पढ़ाई उढ़ाई नहीं हो पाती थी और मन नहीं लगता था, तो फिर मैं छोड़ के दिवाली में घर गया तो लौटा ही नहीं, फिर वहीं एग्रीकल्चर में एडमिशन हो गया। तो हमको लगा कि मतलब हमको BHU में पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लौट आए हैं या लौटा दिए गए, तो वहीं इंटर कॉलेज में इंटर से एग्रीकल्चर से ही इंटरमीडिएट किया। फिर पत्थर कॉलेज का नाम हम लोग सुना करते थे उस समय, पत्थर कॉलेज में उसके पहले या उस समय तक एडमिशन जिसका हो जाता था वो अपने आप को बहुत धन्य समझता था, पत्थर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ करता था, कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है बहुत बड़ा, अब तो उसकी दशा हम कहें दुर्दिनों में आए, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया BSc AG में, तो मैंने BSc AG MSc AG वहीं से किया। MSc AG करने के बाद PhD में रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया गन्ना अनुसंधान में उत्तर प्रदेश सरकार के एज ए रिसर्च एसोसिएट। 3-4 महीना मैं रिसर्च एसोसिएट टेम्परेरी होता है किसी प्रोजेक्ट में, साल 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए मेरा हुआ था, लेकिन 3-4 महीने के बाद वहाँ परमानेंट साइंटिस्ट की पोस्ट निकली, उस पर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया 89 में। 88 में मैं रिसर्च एसोसिएट हुआ, और दिसंबर में ज्वाइन, नवंबर के लास्ट वीक में ज्वाइन किया 28 नवंबर को, और फिर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया 1 अगस्त 89 में मेरा उसमें साइंटिस्ट में, तो मैंने साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया। फिर 2006 में मैं
सर यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका जो मॉन्यूमेंटल काम है यहाँ भी है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में आपका क्या जो विशिष्ट योगदान है क्या है? विशिष्ट योगदान तो यही है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई नई तकनीकी जानकारियाँ दे सकें, और इस फील्ड में काम करते करते और इस अनुभव से हमको दो बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुका है। एक भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग होता है, उस राजभाषा विभाग से राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, ज्ञान विज्ञान लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार हमको, जब प्रणब मुखर्जी जी वहाँ माननीय राष्ट्रपति हुआ करते थे और राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उस समय हमको हमारे साथ ही चार वैज्ञानिकों को और वहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कुछ किताबें आई हैं? हाँ, किताब छपी थी, उसी किताब के ऊपर मिला था। कौन सी किताब थी? और दैनिक फसलों की थी, और दैनिक फसलों की किताब थी, उसी पर मिला था। और दूसरा पुरस्कार एक और मेन कैंपस के एक टीचर हैं डॉक्टर राम केवल, उनके साथ कीड़े मकोड़े कीट प्रबंधन की एक पुस्तक थी, उस पर मिला था। और तीसरा पुरस्कार जो हमको मिला वो एक भारत सरकार के उस समय शिक्षा मंत्रालय जो आज है, वो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शुरू में हुआ करता था, तो उस मंत्रालय से हायर एजुकेशन के टीचर्स को पुरस्कार मिलता था पुस्तक लिखने का जी। तो मौलिक पुस्तक लेखन का वहाँ से भी राष्ट्रीय पुरस्कार हमको दो साल बाद उसके मिला। 2013 में राजभाषा वाला मिला, दो साल बाद वो मिला था हमको। अब तो समय नहीं मिल पा रहा, मटीरियल बहुत है, निकालना भी हम चाहते हैं लेकिन समय सर ये लगभग 20 साल हाँ। इस परिसर को आपने दिया है हाँ, और मृदा और जल संरक्षण का ही काम आपने हाँ। बेहतर दे। इतने दिनों में किसी भी परिसर से बहुत गहरा मोह होता है और आदमी सोचता है कि जब मैं यहाँ से रिटायर हूँ जाऊँ तो इसको एक ऐसे रूप में इसका विकास हो कि ये सदियों तक अपने अच्छे रूप में काम करता रहे, तो हाँ, इसको लेकर आपका क्या सपना है? नहीं, सपना तो यही है कि ये आगे बढ़ता रहे, हम लोग भी ऐसा काम कुछ करके जाएं कि लोगों का विकास हो, लोग याद करें कि हाँ इन लोगों ने हमको कुछ कहीं कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अभी आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीराम सिंह को सुना। वे इस परिसर में 20 वर्ष से हैं और 20 वर्ष से उन्होंने किसानों को इस केंद्र का मित्र बना दिया। बहुत सारे किसान उनके मुरीद हैं, बहुत सारे किसान अब जो है बीजों को लेते हैं और फिर से जब वो पैदा करते हैं, अच्छे बीज पैदा करते हैं, फिर जो है केंद्र को देते हैं। इस तरीके से केंद्र का कारवां आगे चल रहा है। प्रोफेसर साहब चाहते हैं कि ये कारवां ऐसे ही चलता रहे और हमारी बाद की जो पीढ़ी आए वो भी इतने ही लगाव से और इस कैंपस को ही बहुत ऊंचाई प्रदान करे, और साथ साथ यहाँ के जलवायु और यहाँ के पर्यावरण को लेकर भी लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद गांव के लोग के लिए। मैं राम जी यादव, नमस्कार।